नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के मन से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम सच्चे से साक्षात्कार में मेरे साथ जुड़ी हैं आदरणीय इंदिरा गांधी जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार आपको। नमस्कार इंदिरा जी सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, युवा साहित्यकार हैं और इसके साथ ही सहायक प्राध्यापिका हैं उच्च शिक्षा विभाग हिंदी प्रकोष्ठ आस्था सीहोर मध्य प्रदेश से। और उनके आज हम समझेंगे कि इन्होंने बहुत सारी ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो समाज के हैं, स्त्री पर हैं, स्त्री विमर्श पे हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें इन्होंने लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, हम सब इन पे चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं इससे पहले। इंदिरा तांगी बहुमुखी प्रतिभा की युवा कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार हैं। आपकी रचना बारहसिंगा का भूत के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। इसमें आपने महानगरीय और कस्बाई आम जीवन की जद्दोजहद को बखूबी जीवंत रूप प्रदान किया है। आपका जन्म 13 फरवरी 1980 में दतिया मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर थे, जिस वजह से आपकी शिक्षा दीक्षा राज्य के कई स्कूलों में हो पाई। जैन महाविद्यालय विदिशा से स्नातक उपाधि और जवाहर महाविद्यालय भोपाल से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि आपने प्राप्त की। 150 प्रेमिकाएं आपकी सर्वाधिक चर्चित 13 कहानियों का एक संग्रह है। इसे 11 भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया गया है। 2014 में हवेली सुल्तानपुर को ज्ञानपीठ नवलेखन एवं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें इंदिरा जी ने बुंदेलखंड के लोक जीवन, वहाँ की भूख, गरीबी और सामंतवाद से संबंधित मिथकीय तथ्यों को बहुत ही बारीकी से ऐतिहासिक जमीन प्रदान की है। आपके लिखे नाटकों के मंचन अमेरिका में होते रहते हैं, साथ ही नेपाल, तिब्बत और कई देशों में भी आपकी कहानियों के अनुवाद प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं बारहसिंगा का भूत, 150 प्रेमिका, हवेली सुल्तानपुर, शुक्रिया इमरान साहब, नाटक आचार्य, रपटीले राजपथ उपन्यास, रानी कमलापति नाटक, विपश्यना उपन्यास, दरअसल कहानी संग्रह, राजकुमार पिथौरा नाटक। आपके पुरस्कार, आप सम्मानित हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 से, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा अवार्ड 2014 में आपको दिया गया, बालकृष्ण शर्मा नवीन अवार्ड 2014 में आपको प्राप्त है, मोहन राकेश अनुशंसा अवार्ड 2017 में आपको प्राप्त हुआ, रमाकांत स्मृति अवार्ड 2014, राजस्थान पत्रिका युवा अवार्ड 2014, रामजी महाजन राज्य सेवा अवार्ड 2010, दुष्यंत कुमार अवार्ड 2015 में आपको दिया गया, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2021 में आपको प्राप्त है। नित नए कीर्तिमान आप यूं ही गढ़ती रहें और समाज हित में लिखती रहें, नवचेतना की ओर से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैम, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आपके विषय में दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा सकूं कि इतना कुछ आपने लेखन कार्य किया है, साहित्य के लिए आपने इतना समय दिया है और उच्च कोटि के कार्य किए हैं, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और अभी अभी जैसा कि हम देख रहे थे, मैम सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, हमारे एक दर्शक चेतना भाटी जुड़ी है। नमस्कार मैम, चेतना भाटी जुड़ी हुई है हमारे साथ और मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप एक प्राध्यापिका के साथ साथ कैसे समय निकालती हैं और कैसा सफर रहा है कि आप अपना बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके, चुरा करके साहित्य का कार्य कर रही हैं। सुरभि जी, मैं तो ये कहूंगी कि जो लेखक होते हैं वो लेखक होते हैं, वो और कुछ भी उसके बाद होते हैं, सबसे पहले वो लेखक होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक लेखक हूँ, उसके बाद मैं एक शिक्षक हूँ या और कुछ भी मेरा परिचय है। जब मैं नौकरी में नहीं हुआ करती थी तो आपको एक दिलचस्प सी बात बताऊं, लोग मुझसे पूछते थे आप क्या करती हैं, तो मैं कहती थी मैं कहानियां लिखती हूँ। लोग कहते थे अच्छा कहानियां तो लिखती है लेकिन करती क्या है। तो मुझे लगता है कि जिसको नहीं मानते लोग लिखने को कुछ भी, वास्तव में लेखक की रग रग रेशे रेशे में उसका वही व्यक्तित्व होता। तो हूँ लेखक और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कठिन होता है जब आप वो काम करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तब आप सिर्फ उस काम में होते हैं।
ऐसा लगता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं या सुबह तक कर रहे हैं, आप सिर्फ एक तरह से कहिए कि प्यार में होते हैं। क्या बात है, आपने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे जोड़ दी है कि आप प्यार में जब होते हो तो आपको वो थकावट नहीं होती है जो आप साहित्य से प्यार करती हैं। जब आप एक लेखिका होती हैं तो आप कई जिम्मेदारियों के साथ साथ इस कहने में हम जो नहीं लिखते हैं उनके लिए कठिन है कि एक लेखन कार्य बहुत ही गंभीर और बहुत ही शांत चित्त होने के बाद ही एक लेखन कार्य हो सकता है। वो आपको बहुत बधाई इसके लिए आपको। और मैं ये समझना चाहूंगी कि आपके, जैसा कि आपने बताया है कि आपके पिता एक पुलिस निरीक्षक थे, तो आपकी पढ़ाई बहुत इधर उधर हुई, तो उसमें कुछ परेशानियां होती होंगी, वो यहाँ आप साझा करेंगी हमारे दर्शकों से कि किस तरह से देखिए अपन वो हुआ और अब कैसा सफर रहा, फिर कैसे अगर आपका प्रारंभ पलट कैसा कर रहा है? अगर मैं अब पलट कर देखती हूँ तो जैसे आपकी बच्ची है उसकी जैसी पढ़ाई हो रही होगी, या मेरी बच्ची है मेरे बच्चे जैसे हैं, तो इस पढ़ाई से उस समय की पढ़ाई एक तो थोड़ी सी अलग थी, इतना वर्कलोड नहीं था, स्कूल की इतनी जकड़बंदी नहीं थी छात्र के दिलो दिमाग पर। दूसरी बात, जो मेरे पिता थे वो जगह जगह थाना प्रभारी होते थे, और इस तरह से बहुत रूरल में, कभी भी उनको राजधानी की पोस्टिंग नहीं मिली, महानगरों की नहीं मिली, हम बहुत छोटी छोटी जगहों पर रहे, और इस ईमानदारी और इस साहस से नौकरी करते थे कि एक साल में 3 तबादले भी होते थे, तो कक्षा 7 में तो 3 स्कूलों की मैं मैंने दाखिला लिया और कॉपियां बदली होंगी, और बहुत छोटी छोटी जगहों पर हम रहे, उससे जीवन को जानने का अवसर मिला एक तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे पिता यायावर किस्म के थे, जहां भी हम रहते थे वहां के आसपास के सारे पर्यटन स्थल, वहां के गांव, वहां के लोग, वो चीजें देखने का बहुत अवसर मिला, बहुत सारी किताबें वो पढ़ा करते थे, हजारों किताबें हमारे घर में होती थी, और मैं उनकी लाइब्रेरी से कुछ जो वो पढ़ने को मना करते थे वो भी मैं जरूर पढ़ लिया करती थी, और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर के वो जो व्यक्तित्व बनाती हैं किसी का भी, जो अपब्रिंगिंग होती है उस माहौल में जिसमें विविधता होती है, तो वो एक क्राफ्ट के लिए बहुत ही बेहतर है मुझे लगता है, ऐसा किसी के भी लिए, मेरे लिए भी था। और यात्राएं जो होती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जब जाना होता है, तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये प्लस पॉइंट होता है हमारी लाइफ में। तो ये भी आपके लिए खुश नसीब रही कि ये नहीं है कि परेशानी हुई कि स्कूल बदल रहा है, बच्चे के साथ तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को आप इस तरह से देखें पॉजिटिविटी में, तो ये बहुत ही बेहतर है। आपकी जो रचना है उसमें आपने सबसे ज्यादा जो एक नाम है चर्चित, सर्वाधिक चर्चित है, 13 कहानियों का 150 प्रेमिका है। तो इन नाम से ही बड़ा, मतलब ये एक अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है कि क्या हो सकता है, ये विचित्र भी लगता है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, तो इसके विषय में बताइए हम। देखिए ये कहानी इस कथा संग्रह की जो सबसे पहली कहानी थी वो कहानी थी लीप सेकंड, और मैंने कहानी के संग्रह का नाम लीप सेकंड रख करके अपने प्रकाशक को भेजा था। प्रकाशक ने कहा कि कहानियां एक ज्यादा हो रही है, एक कोई कहानी हटानी है तो आप बताइए कौन सी हटा दें। मैंने इस कहानी का नाम लिया तो उन्होंने कहा ये तो हमने टाइटल चुन लिया, तो ये जो कहानी है 150 प्रेमिका, डेफिनेटली इस टाइटल से हो सकता है कि बहुत असर पड़ा हो, हालांकि कहानी से ही कहानी बिकती है और ये बेस्ट सेलर भी रही है उस वर्ष की, तो ये कैसुनोवा पुरुष जैसे होते हैं ना, जो अपने 4 लोगों के बीच, मित्रों के बीच बैठकर स्त्रियों के बारे में बड़ी सतही बातें करते हैं कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी और इतनी, यदि किसी के जीवन में कोई प्रेम रहे और वो ना रहे तो भी तो उसका एक सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसे पुरुष जो तमगे की तरह समझते हैं, स्त्रियों को ट्रॉफी की तरह समझते हैं, उनकी मानसिकता इस कहानी में मैंने लिखी थी। कि बहुत आपने जो है हिम्मत का भी काम किया है, और बहुत जरूरी है ये सामने, समाज के सामने लाना, क्योंकि
ये आए दिन अभी भी देखा जाता है, पहले भी था, पहले बहुत ज्यादा था, अब कुछ कम हुआ है। आप जो कह रही हैं ये तमगा होता है, एक वो होता है कि जैसे पहले राजाएं होते थे, कई कई रानियां रखते थे, उसमें अपनी शाबाशी होती थी उनकी कि बहुत सारी रानियां हैं मेरी, तो ये भी एक बहुत विचित्र धारणा है। एक सवाल ये है कि आप, हम स्त्री हैं आप, और इसके स्त्री होने के नाते जो आप लेखन कार्य करती हैं, इसमें क्या कुछ ध्यान में रखते हुए आप लिखती हैं? स्त्री विमर्श की परिदृश्य में हम बात करें तो, देखिए, स्त्री विमर्श जो है मनुष्यता का विमर्श है। अगर हम स्त्री की बात कर रहे हैं तो अभी तो हम एक मनुष्य की बात कर रहे हैं, किसी की भी जो पीड़ित है, शोषित है, अपमानित है, हम उस मानव की बात कर रहे हैं। और अगर वो मानव स्त्री है तो हम उसकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो लोग इसको स्त्री विमर्श का नाम देते हैं। वास्तव में ये मनुष्यता का विमर्श है। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह किसी भी, अगर मैं किसी पुरुष पर लिखूंगी तो उसकी सारी परिस्थितियां लिखूंगी, स्त्री पर लिखूंगी तो उसकी सारी तकलीफें लिखने का प्रयास करूंगी, वो जो जहां तक मैं उससे अपना साम्य बना सकती हूँ। तो कोई भी लेखक जब लिखता है तो उसके कैरेक्टर उसके लिए सिर्फ कैरेक्टर होते हैं, वो उनके साथ एक साम्य बैठाता है जिसको पर काया प्रवेश कहते हैं। और पुरुष पात्र है तो वो भी लिखते समय मैं वो हूँ, जाहिर सी बात है। और स्त्री पात्र है या कोई बालक है या कोई वृद्ध है, तो लिखते समय सिर्फ उनकी मन स्थिति क्या होगी, उसने क्या सोचा, क्या महसूस किया, सिर्फ ये दिमाग में रहता है, ये नहीं रहता कि ये स्त्री है। लेकिन मैं आपको बताऊं सुरभि जी, ये बहुत ही हिंदी साहित्य का जो वर्तमान परिदृश्य है, जो सिनारियो है, उसमें आरंभ से ये हुआ है। महादेवी वर्मा के साथ ये हुआ था कि उनको महिला कवि कहकर, कवित्री कहकर या आधुनिक मीरा कहकर एक फ्रेम में, एक चौकटे में जड़ दिया और उनका सही मूल्यांकन ही नहीं किया गया, जबकि वो विश्व स्त्री विमर्श की पुरोधाओं में से एक है। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाय योर लुक सेल योर बुक्स, आप अच्छी दिखती हैं इसलिए आपकी किताबें बिकती हैं। लेखिकाओं पर एक बड़ा सतही सा और चलताऊ सा आरोप लगा करता है, लेकिन बहुत आगे जब हम जाते हैं तो ये चीजें पीछे छूट जाती हैं और उनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि हमारी रचना पर से आप हमारा नाम हटा दीजिए तब सिर्फ रचना बचेगी, ये तो नहीं होगा ना कि ये स्त्री ने लिखी है या पुरुष ने लिखी है। बिल्कुल सही बोल दिया आपने कि ये एक मनुष्यता की बात है कि स्त्री है पुरुष है, इससे रचना पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, लेकिन उन्हें भी सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है इससे बात करने के लिए। बात हो भी रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आपकी किताब एक हवेली सुल्तानपुर है, जिसमें आपने बुंदेलखंड के लोक जीवन और वहां की जो त्रासदी है, सामंतवाद है, गरीबी है, इस पे बहुत बारीकी से अपनी कलम चलाई है, इसके विषय में बताइए। हवेली सनातनपुर मेरा उपन्यास है जिसको तमाम जगहों से पुरस्कार मिले हुए हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार उसी पर मिला था, ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा। उस उपन्यास में मैंने बुंदेलखंड को ऐसे दिखाया है जैसे बुंदेलखंड में जो पहाड़ होते हैं, रूपक आपको बताऊं, वो मुरम के पहाड़ होते हैं, लाल मिट्टी के पहाड़ होते हैं, और उनको लोग जब खोद देते हैं तो अंदर से जो लाल मिट्टी निकलती है वो और ज्यादा सुर्ख होती है, दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लहू है। तो और आसपास जंगल अगर है और मुरम के पहाड़ को खोद दिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि एक खूबसूरत बुके में से, एक गुलदस्ते में से लहू बह रहा है। तो हमेशा मुझे बुंदेलखंड ऐसा लगता है, वो वीरों की धरती, वो मेहनती लोगों की धरती, वो ऐसे लोगों की धरती जिन्हें उपेक्षा मिली है, जिन्हें उनके अधिकार नहीं मिले, जिन्हें उनके समान अवसर नहीं मिले, लेकिन वो हैं अपनी सारी मानवीयता और जिजीविषा के साथ उपस्थित हैं। यही मैंने लिखने का और दिखाने का प्रयास किया। इसकी जो आपकी गंभीरता है, इसमें आपने बहुत ही, और वहां के जो, जैसा कि आपने कहा कि अभी वहां जो भावनाएं हैं, बहुत सारे लोग वहां से कटे हुए हैं, जो लोग, तो
मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उससे जोड़ने की आपने कोशिश की है, बहुत अच्छी बात है। मैम आपके लिखे नाटकों के मंचन अमेरिका में भी जैसा कि आपने बताया कि होता रहता है, तो इसके कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ आपका अनुभव है इसके पीछे भारत मेरा एक नाटक और था। विदेशों में जो। हाँ जी मेरा एक नाटक था राई। सबसे पहले उसका मंचन हुआ था और उन लोगों ने संपर्क किया था मेरे फेसबुक के पेज पर, और राई के बाद मेरे दूसरे नाटक भी वहां पर खेले गए और बहुत पसंद किए गए। यहाँ तक कि राई में जो नृत्य होता है, दो शब्द मैं नाटक के बारे में बताना चाहूंगी। राई मूलतः एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, बिल्कुल जो अर्ध घुमक्कड़ जनजाति, बेड़िया जनजाति की स्त्रियां वो नृत्य करती हैं और लोक नृत्य है। तो लेकिन उन्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं है जो कलाकारों को प्राप्त होता है, जो नृत्यांगनाओं को, दूसरे शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगनाओं को प्राप्त होता है, वो उन्हें सम्मान प्राप्त नहीं है। और देखिए, कलाकार यदि वास्तविक जीवन में जाएगा तो जो कला होती है वो, उसके बारे में बहुत प्रसिद्ध बात है कि वो कहीं ना कहीं आपको दुनियादारी से वंचित कर देती है। तो वो नृत्यांगनाएं कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति के लिए कैसे विवश होती हैं, वहां की पुलिस कैसी है, वहां के राजनेता कैसे हैं, वहां का लोक जीवन कैसा है, मान्यताएं कैसी हैं, ये सारी चीजें, उनकी भूख, उनकी गरीबी, उनका नृत्य, ये सब कुछ उस प्ले में मैंने दिखा है। नृत्य जो है वो सामंतवाद का, सामंतवाद के विरुद्ध एक युद्ध है, रिवेंज है। नृत्य जो है वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। बहुत सारी चीजें जो भी मेरे मन में थी उनको लेकर के मैंने प्रयास किया उस प्ले में दिखाने का। और अमेरिका में वो नाटक इतना पसंद किया गया कि उस नाटक को जो कलाकार मंच पर खेलती थी, जो नृत्य करती थी, उनको जब वहाँ एनुअल प्रवासी भारतीयों के एनुअल फंक्शन होते हैं गरबा के, तो उनको विशेष तौर पर वो राई नृत्य करने के लिए बुलाया। क्या बात है। तो वहां के दर्शकों और भारतीय दर्शकों में क्या आपने अनुभव किया, क्या कुछ अलग होता है उनकी जो एक इच्छा होती है और जो एक ललक होता है, कुछ ज्यादा ही उसमें अट्रैक्शन होता है या कुछ यहाँ पे कुछ जो दर्शक होते हैं कम तवज्जो देते हैं, क्या कुछ ऐसा है। देखिए, मुझे वहाँ मेरे नाटकों को बहुत लोकप्रियता मिली और वहाँ के जो जो टीम है और वहाँ के जो लोग हैं वो मुझसे बात करना चाहते हैं, या इंडिया जब वो लोग आते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं। तो मुझे उन सब से मिलके, उनसे बात करके यही लगता है कि बहुत अटैच वो अपने आप को कर पाते हैं उस लोक जीवन से, जिसको वो एक्चुअली जो उसे बहुत दूर पड़ता है। जब मंचन होता है तो बुंदेलखंड की फूस की झोपड़ी वो कैसे बनाएंगे, तो कैसे वो छोटी छोटी चीजें उन्होंने की। उन्होंने इंडिया से ड्रेस मंगवाई थी जो वहां नृत्यांगनाओं को पहननी थी, और जो कलाकार थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी गुजराती, एक मराठी थी, उन्होंने कैसे नेट पर नृत्य देखकर आई तैयारी की, कैसे वो उच्चारण पकड़ने का प्रयास किया, जो बुंदेली लोक नृत्यांगना है उनकी कल्पना में बोल सकती थी। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अभिभूत कर देने वाली सारी बातें थी। और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत प्रवासी भारतीय, जिनके बीच ये बहुत लोकप्रिय हुआ है। एक बार कनाडा गई थी वो टीम राई नृत्य, नृत्य तो बाद में कहूंगी, राई नाटक खेलने, और नृत्य भी उन्होंने राई किया है। तो मैं कहूंगी कि चीज वहां तक पहुंची, मुझे इसी बात की बहुत प्रसन्नता है। यानी वो अपने जब दूर जाते हैं तो अपनी मिट्टी और अपने देश इतनी याद आते हैं कि उसका ही एक तरह से दृश्य देखने को मिलता है, जो कि एक मंचन होता है और बहुत ज्यादा वो उसे लगाव और प्यार और स्नेह रखते हैं। तो ये एक अपने आप में भी बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना चाहते हैं। आपने बताया है कि जैसे नेपाल और तिब्बत के और भी कई देशों में आपकी कहानियों के अनुवाद प्रकाशित होते हैं, ये एक अपने आप में बहुत ही गौरवपूर्ण बात है।
देखिए मेरी कहानियां मुझे खुद भी नहीं पता था जब आरंभ हुई, वहां पर अनुवाद होना कई बरस हुए अब तो। तो ऐसे मेरी कहानियां 11 भारतीय भाषाओं में पढ़ी जाती हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर हैं कहीं तो मराठी में और नेपाली में। तो खुद मेरे लिए एक आश्चर्य की बात थी कि नेपाली में लोग इतना पसंद करेंगे कि वहां के अखबारों में, देखिए लिटरेरी मैगजीन में जो चीज आती है को क्लास पढ़ता है, थोड़े से लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब अखबारों में आपकी चीज हर सैटरडे आपकी कहानी छपने लगे अनुवाद होके, तब समझना चाहिए कि उस देश के लोग, उस मुल्क के लोगों ने हमें एक्सेप्ट भी किया है राइटर के तौर पर और हमें बहुत सारा स्नेह भी दिया है। बहुत दूर तक आपकी आवाज और आपकी सोच, आपके विचार और आपके लेख के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पहुंचते हैं, जिससे आप बहुचर्चित भी होती हैं और आपको लोग पढ़ना और समझना चाहते हैं कि आप समाज के लिए और साहित्य पे कैसा लिख रही हैं। ये तो मतलब अपने देश से दूसरे देश तक पहुंचना, ये आप में बहुत 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 ही बड़ी बात है। और वो भी आपकी कहानियां जो अनुवादित होकर के लोग पढ़ रहे हैं, ये इसमें बहुत और भी चार चांद लगाता है अपने आप में है। मैं ये समझना चाहूंगी मैम आपसे कि आचार्य जो एक नाटक है, इसके साहित्य की दुनिया की राजनीति प्यार है, इसके विषय में बताइए कि ये तो हमने देखा है कि साहित्य की दुनिया में बहुत सारी राजनीति जो गतिविधियां होती हैं वो देखने को मिलता है, जिससे कि कई लेखिकाएं लेखक इसके आगोश में समा जाते हैं, वो खिल के उभर नहीं पाते हैं, इसके विषय में बताइए। साहित्य की जो दुनिया है, देखिए साहित्य की दुनिया से सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बाहर रहकर भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप हंस में लिखें, आप ज्ञानोदय में लिखें, आपको किसी भी पत्रिका में छपिए, आप सरस सलिल में भी अगर छपते हैं बहुत ज्यादा बिकती है वो। और अगर आपकी कहानी में असली कहानीपन, अगर आपके पास असली साहित्य है तो आप साहित्यकार हैं और आगे पीछे आपको कभी ना कभी एक्सेप्टेंस मिलता ही है। लेकिन पॉपुलर राइटिंग, वो जो अभी मैं बात कर रही थी, मास और क्लास का एक अंतर है। और जो पॉपुलर राइटिंग है, जैसे कि हिंदी में कुमार विश्वास साहब है या अंग्रेजी में चेतन भगत है, किसी शहर में किसी कार्यक्रम में ये जाते हैं तो लाखों लोग उमड़ आते हैं। और अगर लेकिन अगर इनको कहीं के भी दिल्ली के या कहीं के भी सिलेबस में पढ़ाया जाता है तो पॉपुलर राइटिंग के कॉलम में पढ़ाया जाता है, ना कि क्लासिक के कॉलम में। कहने का मकसद है मेरा कि साहित्य की एक दुनिया होती है और राइटर उसी तरह अपनी दुनिया में रहता है जैसे फिल्म की दुनिया में फिल्म वाले रहते हैं या नृत्य वाले अपनी नृत्य की दुनिया में रहते हैं। एक मेन स्ट्रीम है, अगर हम सभी जगह होती है, अमेरिका के साहित्य की बात करें तो वहां भी संपादकों की अपनी पसंद नापसंद है, वहां भी लेखकों के बीच मन मुटाव है। अभी तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने वहां जाना है। इसी तरह भारत में भी हिंदी की एक मेन स्ट्रीम है। एक समय में मुझे लगता है 100, 125, 150 इतने ही लोग एक समय में, एक पीढ़ी में होते हैं जो उस मेन स्ट्रीम में होते हैं, जिसमें आचार्य होते हैं, मठाधीश होते हैं, लेखिकाएं होती हैं और लेखक होते हैं, दलित कार्ड, स्त्री कार्ड खेलने वाले अवसरवादी होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, पुरस्कारों की राजनीति होते हैं, राजनीति होती है। तो उसी दुनिया पर मेरा ये नाटक था आचार्य, और इससे जुड़ी मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी आपके दर्शकों के साथ कि आचार्य लम्ही पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, लखनऊ से प्रकाशित होती है, जो प्रेमचंद के पोते हैं विजय राय जी वो प्रकाशित करते हैं। उन्होंने पूरा एक अंक दिया अपनी पत्रिका का कि आचार्य उसमें प्रकाशित हो, और आचार्य के प्रकाशित होने के बाद वो इतना चर्चित हुआ कि किताब घर प्रकाशन से मुझे फोन आया कि हम आचार्य को प्रकाशित करना चाहते हैं, स्वर्गीय सुशील सिद्धार्थ जी का, उनको विनम्र श्रद्धांजलि। उस समय मैं अपने पापा के घर गई हुई थी दतिया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक महीने बाद भोपाल आऊंगी। उन्होंने कहा कि वो लम्ही से ही ले लेंगे सॉफ्ट कॉपी। उन्होंने सॉफ्ट कॉपी ले ली, 15 दिन के अंदर आचार्य किताब के तौर पर आ गया, और जब मैं अपने गांव से भोपाल वापस आई तो मुझे उसकी प्रतियां रखी हुई मिली, लेखक की प्रतियां। तो
तो इतनी जल्दी वो प्रकाशित हो गया कि वो खुद मेरे लिए भी बहुत एक तरह से सरप्राइज था, और इतना उसको पसंद किया साहित्य की दुनिया में। वो पहली बार थी कि सारे सीनियर्स के मुझे फोन आए, सारे नवोदितों के मुझे फोन आए, और सारे लोग कह रहे थे कि आचार्य का ये कैरेक्टर है, क्या वो लेखक है, क्या वो लेखक है। तो वो एक बहुत अलग तरह का अनुभव था वो। एक एक रोमांच हो गया होगा जिस तरह से आपने अभी यहाँ पे विश्लेषित किया है कि एक बहुत ही गूढ़ बात आपने बताई है, और एक खुशी की बात यह है कि लोगों का जब आपको इस तरह से एक अच्छी चीज पे काफी बधाइयां मिलती हैं तो ये अपने आप में एक प्रेरणा भी है और आपको संबल भी मिलता है इसमें। और मैं समझना चाहूंगी कि आप, ये तो हो गई हमारी साहित्य की बात, आज के परिदृश्य में हम बात करें वर्तमान में, तो क्या आपको लगता है कि साहित्य उच्च कोटि का हमारे समाज में लिखा जा रहा है, पढ़ा और पढ़ने वाले हैं और लिखने वाले, मुझे लगता है क्या कहेंगे आप, कुछ ज्यादा हो गए हैं? उसमें जो क्वालिटी होती है, जो लेखन की सामग्री होती है, कहीं वो पीछे तो नहीं छूट रहा है? हाँ देखिए, साहित्य की जो दुनिया है बहुत बड़ा सा आकाश, बड़े तारे टिमटिमा रहे हैं, छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें फोन करते हैं कि हम आपके पाठक हैं, हम आपकी पाठिका हैं, वो भी दरअसल लेखक ही होते हैं। तो जो सचमुच राइटर है, लिखते बहुत सारे लोग हैं। संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि पाठक द्वितीयक प्रतिभा है, वो प्रतिभा पाठक में भी है जो एक राइटर में है। तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, और मेरा ख्याल है कि लिखना चाहिए। सोशल मीडिया स्पेशली जब से आया है, तो मुझे लगता है एक मजदूर के हाथ में भी एक तरह से कलम है, एक सुनार के हाथ में भी कलम है, और एक अध्यापक के हाथ में भी कलम है। तो मैं कहूंगी कि सभी का स्वागत है, यही तो लोकतंत्र है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें, और जो असली राइटर है वो बचता है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा सिर्फ एक माध्यम है। अगर पिछले दिनों का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी कहानी न्यूयॉर्क के एक लिटरेरी जनरल ने एक्सेप्ट की। तो वो कहानी थी, हिंदी में थी नई कॉलोनी और इंग्लिश में थी न्यू कॉलोनी, जो कि अमेरिका में ही अनुवाद उसका हुआ था। वो कहानी एक कॉलोनी में एक तेंदुआ घुसाता है, क्योंकि वहां पहले जंगल था और बिल्डर ने वहां एक कॉलोनी बना ली। तेंदुए को लगा कि ये वो स्थान है जहां मैं अपनी माँ के साथ पानी पीने जाता था, और वो घुस आता है। एडिटर ने जब वो कहानी पढ़ी तो उन्होंने मुझे लिखा कि वो जब अपने टाउन गए थे, अपने गांव गए थे, तो उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ था कि जो एक न्यू कॉलोनी थी और वहां तेंदुआ घुस आया था घरों में। तो अगर अमेरिका के गांव में जो फीलिंग आ रही है एडिटर को, और वो मुझे अपने गांव में या अपने शहर में आती है, कहने का मकसद है कि कहानी अगर बचती है तो कहानीपन से बचती है, साहित्य बचता है तो साहित्यपन से बचता है। आप अगर पूरे विश्व को एक ग्लोबल ग्राम मान लें, अगर विश्व ग्राम की अवधारणा पर हम बात करें, और आप जगह बनाने निकलिए विश्व के साहित्य में, तब आपके पास सिर्फ आपका साहित्य साथ देगा, और भाषा भी तब सिर्फ एक माध्यम है। अगर मेरी कहानी तेलुगु में जा रही है, अगर वो कन्नड़ में जा रही है, अगर वो अंग्रेजी में जा रही है, तो अगर उसमें कहानीपन है तो वो बचेगी। और अगर उसमें सिर्फ भाषा की भंगिमा थी या सिर्फ शब्दों का खेल था, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर बच पाएगी। तो यहाँ बस एक चीज को पकड़ के रखना चाहिए, वो है असली साहित्य। क्योंकि साहित्य की दुनिया में आदमी अगर उठता है तो अपनी रचनाओं से, और गिरता है तो अपनी रचनाओं से। बहुत खूब आपने बात बताई है कि अपनी रचनाओं से और कहानी में जो जीवंतता होती है उसकी बात आपने कही है, कि एक जो जीवंतता नहीं होगी तो वो रीढ़ विहीन मनुष्य जैसे होता है वैसे हो जाएगी आपकी, आपका साहित्य और आपकी कहानी। बहुत खूब मैम। और एक बात जो मेरे मन में आ रही है आपसे सवाल ये करना है कि क्या अभी प्रकाशक है और एक स्त्री होने के नाते, स्त्री लेखक, क्योंकि मुझे ये देखने सुनने खबरों में भी ऐसी बातें आती हैं कि बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, आप अच्छा लिखती भी हैं तो आप उसे प्रकाशित नहीं कर पाती हैं, उसमें भी बहुत कुछ जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल टेढ़ी खीर हो जाती है, और लगता है कि आपको
एक चक्रव्यूह में फंस गई हैं। क्या मैं सही हूँ या गलत? डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ मैं तो, आप समझिए, मेरा जीवन ही, मेरी अपब्रिंगिंग ही साहित्य की दुनिया में हुई है। कितनी नवोदित लेखिकाओं की, प्रतिभाशाली लेखिकाओं की, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे साथ एक लेखिका का आरंभ हुआ था साहित्य जगत में, और उनके लिए जिस मैगजीन में मेरी पहली कहानी आई थी परीकथा में, उसमें उनकी भी कहानी आई थी, और राजकमल या ऐसे बड़े प्रकाशकों से उनकी आरंभिक किताबें आई थी या आने वाली थी संभवतः। अब बहुत स्मृति में नहीं है मेरी बात, बहुत समय हो गया। उनका करियर एकदम से खत्म हो गया, साहित्य की दुनिया के मठाधीशों के फेर में, बड़े बड़े संपादकों के फेर में वो पड़ गई। और एक लड़की जो जो बहुत संभावनाशील लेखिका थी, जो मेरे साथ इस दुनिया में आई थी, उसने साहित्य की दुनिया छोड़ दी, वो चली गई। और ऐसा बहुत सारी लेखिकाओं के साथ होता है कि वो 2 4 सालों में ये दुनिया उन्हें उनके साथ जो बर्ताव करती है, कि उनके उनका जो क्राफ्ट होता है वो बिला जाता है और वो चली जाती है इस दुनिया से, लिखना छोड़ देती है। तो ऐसा भी इस दुनिया में होता है, यद्यपि ये अपवाद है, सभी के साथ नहीं होता। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास रचना है तो आप यहाँ बचेंगे, आपको कोई नष्ट नहीं कर सकता। मेरे आरंभिक दिन थे, और एक समीक्षक ने कहा कि मैं एक लेख लिख दूंगा और करियर खत्म हो जाएगा। मेरे आचार्य में भी एक संवाद है ऐसा, और अच्छा उन्होंने लेख लिखा और उसमें उन्होंने तमाम चीजें लिखी कि इंदिरा गांधी अलेखिका है। एक लेखक के लिए, एक नवोदित लेखक के लिए, अगर आप ये लिख दें कि वो अलेखक है, तो इससे ज्यादा आप बताइए और क्या होगा। मतलब वेलकम होने की जगह ये बात थी कि मैं अलेखक हूँ, और तमाम सारे नहीं, आरोप उस मेरी एक कहानी को उठाकर उन्होंने समीक्षा कर दी थी, और तमाम सारी बातें थी। लेकिन मैं आज कृतज्ञ हूँ, उनकी आभारी हूँ कि उनके उस लेख की वजह से सबका ध्यान गया कि कौन नवोदित लेखिका है जो अलेखिका है, और उससे मुझे फायदा हुआ। देखिए, कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां यहाँ आती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपको ध्वस्त करते हैं। लेकिन और किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है पत्रकारिता की दुनिया में भी ऐसा होता होगा, आप तो टीवी चैनल की जर्नलिस्ट रही हैं और अभी अपना चैनल चला रही हैं, या दूसरे जो जॉब प्रोफाइल होते हैं, फील्ड होते हैं, सभी जगह अगर हम एक बहुत प्रसिद्ध बात है ना, यदि आप युद्ध नहीं भी करना चाहते तो आप संघर्ष से नहीं बच सकते। अगर मैं ये कहूँ कि एक मनुष्य की तरह अपना करियर बनाने निकली थी, तो मैं ये नहीं कह सकती कि एक स्त्री के तौर पर लोगों ने मुझे नहीं देखा, एक मनुष्य के तौर पर ही देखा, ये नहीं था। बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी, पर मैं हमेशा कहती हूँ कि लिटरेचर इज माई बॉयफ्रेंड, तो मैं लिटरेचर को पकड़े रही, मैंने उसको नहीं छोड़ा। तब भी नहीं छोड़ा जब लोगों ने रुहासा कर दिया, तब भी नहीं छोड़ा। तो आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे लगता है कि वो लोग जो मुझे अलेखिका कह रहे थे या कुछ भी कह रहे थे, आज वो पसंद करते हैं मेरी रचनाएं है। तो आभार उन सभी का जिन्होंने रुकावटें पैदा की, जिन्होंने दिक्कतें पैदा की, क्योंकि वो नहीं होते तो मेरा मेरे स्ट्रगल में वो धार नहीं आती। क्या बात है। एक धार, कलम की धार को बनाने के लिए एक तो उसको तराशने की जो शब्दों की जरूरत थी वो उन्होंने कर दिया, जो क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो और भी आपको एक तरह से खाद पानी दे दिए कि आपके संघर्ष की जो शक्ति है और प्रगाढ़ हो जाए। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ऐसे ही सभी को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे होंगे कि और जो बाद में भी सुनेंगे, कि एक जब संघर्ष करती हुई स्त्री या जो लड़कियां होती हैं वो पीछे ना हटे, क्योंकि आप में काबिलियत है तो उसे प्रूव कर दीजिए, करके दिखाइए, काम करते रहिए, हमेशा चले रहती रहिए। और हम कालिदास की अगर हम बात करें तो उनका जीवन ही पूरा संघर्ष है, हमें प्रेरणा देता है, एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि अज्ञानी से हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं, और उसके लिए तपस्या, त्याग और लगन की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात कही है मैम आपने। एक बात और है, जो आजकल भाषा की तो आपने बात कही है, शायद हमने बात की है कि भाषा की जो स्तर है वो अगर सही रहेगा तो आपके जो लेखन है,
और जो साहित्य है वो एक मुकाम हासिल कर लेती है। लेकिन आजकल भाषा जो है, हिंदी भाषा की बात करें हम, हिंदी लेखकों की, अंग्रेजी का एक अलग की अलग दुनिया है, हिंदी की अलग दुनिया है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में वो वाली बात पहले वाली नहीं रह गई है जो हम सरस्वती, हंस या धर्मयुग इस तरह की पढ़ रहे हैं, और एक तो बचपन में हुआ करता था हम पराग कादम्बनी, इतनी स्तरीय अब तो प्रकट हुआ है सरस्वती। ये हम लोग के भाग्योदय होगा कि इसमें लिखना पढ़ना दर्शकों के लिए भी और लेखकों के लिए भी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भाषा जो होती है वो बहती हुई नदी के समान होती है। जब जिस भाषा में साहित्य की रचना होने लगती है, लोग उससे आगे की लैंग्वेज को चुन लेता है। जब वैदिक संस्कृत में साहित्य रचा जा रहा था तो लोग लौकिक संस्कृत बोलने लगे, और संस्कृत के बाद लोग अपभ्रंश बोलने लगे। संस्कृत के आचार्यों ने कहा कि ये भ्रष्ट भाषा है, पतित भाषा है, इसका नाम अपभ्रंश है। लेकिन बाद में जाकर उसी में साहित्य रचा गया, उसी को अभट्ट का नाम दिया गया, उसके बाद पुरानी हिंदी आई। कहने का मकसद है कि ये एक बहती हुई नदी है, बहती हुई नदी में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे रंग पानी के बदलते हैं, तो सदैव स्वागत है नई चीजों का। और शास्त्रीयता और लोक, मुझे लगता है कि ये बहुत विपरीत या आमने सामने की बहुत बार चीजें हो जाती हैं, लेकिन बाद में वो चीजें बचती हैं जो लोक जीवन में आ चुकी होती हैं। और एक और बात, इसके इसके एकदम अलग एक बात और मैं कहूंगी कि लेखक सरलता से कठिनता की ओर जाता है, और फिर उस कठिनता के बाद आगे निकलकर सरलता की ओर जाता है। तो वो सरलता जो हमें कठिनता के बाद मिलती है, वास्तव में वो सरलता होती है जिससे एक आम पाठक को रिलेट कर पाता है। अर्थात हम एक तरफ तो अज्ञान से ज्ञान की ओर जाते हैं, हम बहुत सारा पढ़ते हैं, 1 लाख शेर पढ़ते हैं तो 1 शेर लिखते हैं ऐसा कहते हैं, या 10 तोला पढ़िए 1 तोला लिखिए। मैं भी यही कहती हूँ, 100 किताबें पढ़ लीजिए तब एक बिल्कुल किताब लिखने की आप में योग्यता आएगी। तो जब आप पढ़ते हैं, मैंने डिक्शनरी याद की थी, जब मैंने सोचा कि अब मुझे करियर बनाना है, तो 4 महीने मुझे लगे थे, हिंदी की डिक्शनरी मैंने पूरी याद की थी। तो जब हमारा ज्ञान बहुत बहुत बढ़ता है, उसके बाद लेखक एकदम सरल हो जाता है। लेकिन उसकी जो सरलता होती है उसमें अज्ञान नहीं होता, उसमें प्रबुद्धता होती है, और कहीं ना कहीं लोक मंगल की ओर वो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज जो मेंटेन कर पाता है, कठिनता को पार करके सरलता पर जो लेखक आ पाता है, उसकी भाषा में एक गरिमा भी होती है, अपने मुल्क के हम प्रस्तुतकर्ता भी। किसी भी कंट्री में आपकी कहानी जाएगी तो वहां के लोग आपके देश को उस कहानी में खोजेंगे, तो कहाँ से वो लेखक में पकड़ आती है जो अपनी सारी चीजों से अपने आप को परकाया प्रवेश, जो कि मैं कह रही थी, वो सब कुछ दिखा सके। तो ये चीज मुझे लगता है कि जिनमें आप आती है वही समय के हस्ताक्षर बन पाते हैं, और शायद इसीलिए ऐसा होता है कि एक समय में सैकड़ों हजारों लोग लिख रहे होते हैं, और जब हम उस समय की बात करते हैं तो हमें सिर्फ 2-4 नाम याद आते हैं जिन्होंने गरिमा और सम्मान के साथ अपने लोक जीवन को साहित्य में उतारा। बहुत अच्छी बात कही है कि एक रंग है भाषा का जो बहती हुई नदी की तरह बहता रहता है। बहुत अच्छी बात कही है मैम। एक बात और है कि जो अभी विश्व साहित्य में हिंदी साहित्य का क्या स्थान रहा है, कहाँ खड़ी है, ये हम हिंदी की बात करें तो क्या कहेंगे हिंदी साहित्य? देखिए, वहां जाकर भाषा सिर्फ माध्यम बचती है। मतलब तो आप हिंदी में लिख रहे हैं, आप उर्दू में लिख रहे हैं, आप फ्रेंच में लिख रहे हैं, आपका जब अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो आपकी वो जो मैं अभी कह रही थी कि कहानी में कहानीपन कितना है, बस इससे आप बचेंगे। सबसे अच्छी बात वहां की ये है कि वहां सबका वेलकम है, वो जिनके पास साहित्य है वहां पर उनका बहुत वेलकम है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री से आए हैं, किस छोटे से देश, या अब मेरा देश तो बहुत बड़ा है, कहाँ से आए हैं और कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आप जो लिख रहे हैं उसमें, जिसको संस्कृत साहित्य में कहते हैं कथा रस, तो नाटक की दुनिया में कहते हैं कि ड्रामा में ड्रामा कितना है, तो कहानी में कहानी कितनी है, रचना में कथा रस कितना है, बस वो चीज वहां बचती है। बाकी चीजें तो मैं कह रही हूँ ना, लैंग्वेज इज अ मीडियम, वो वहां पर बहुत मायने नहीं रखती कि आप कहाँ से आए हैं। मायने बस ये रखता है कि पाठक पढ़ रहा है तो आप उसको पहली लाइन से पकड़ लीजिए। कहानी में कहते हैं कि पहली लाइन वो लिखिए कि
आप पाठक को पकड़ लीजिए और वो अंतिम लाइन तक पढ़े। तो वो चीज अगर आप प्रयास, मतलब मैं भी सीख ही रही हूँ, विद्यार्थी हूँ मैं साहित्य की, तो अगर वो चीज आपके अंदर आ गई तो मैं समझती हूँ आपका बहुत स्वागत है विश्व के किसी भी देश। बहुत अच्छी बात है कि अभी एक, जैसे कि हिंदी साहित्य की बात करते हैं कि अंग्रेजी साहित्य का दबदबा भी इस पे रहता है कि अंग्रेजी साहित्य ज्यादा बिकती है, ज्यादा पैसे कमाती है, ज्यादा वैल्यू होता है, महत्व होता है, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि हिंदी के पाठक बहुत हैं। आप हिंदी की ई पत्रिकाओं को देख लीजिए। अगर लोग मुझसे कहते हैं कि हिंदी की किताबें बिकती कम है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि माध्यम बदला है, हमारा पाठक कहीं गया नहीं है, अब वो हमको इंटरनेट पर पढ़ रहा है, अब वो हमको दूसरे माध्यमों से पढ़ रहा है, और किताबें भी बिकती हैं नो डाउट। हिंदी और अंग्रेजी में जो एक फर्क है, आप देखिए किसी पुस्तक मेले में अगर अंग्रेजी की किताब बिक रही होगी तो उसके दाम बहुत कम है। बड़े से बड़ा उपन्यास 20 रुपए 50 रुपए में आपको मिल जाएगा पेपर बैक में, जिस पर कॉपीराइट नहीं है। हिंदी की किताबों का मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है, और संभवतः इसका कारण ये है कि संसाधन थोड़े से सीमित होते हैं। जैसे कि प्रकाशक आपकी किताब छापता है तो उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। भारत में बहुत सारे लोग यहाँ साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परिवारों में जैसे राशन के लिए बजट होता है, अखबार खरीदने के लिए, बच्चों की स्कूली किताबें खरीदने के लिए, किसी भी परिवार में, अमूमन आम मध्यवर्गीय परिवार में किताबें खरीदने के लिए महीने के बजट में से अलग से कोई रकम नहीं निकाली जाती। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि किताब उन्हें यूं ही पढ़ने को मिल जाए, तो ये एक थोड़ा सा फर्क है। और मुझे लगता है कि चीजें बदल रही हैं। कम से कम इंटरनेट पर तो बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ फ्री हमने कहानियां दी हैं, वहां लाखों लोगों ने उसको देखा, व्यूअर्स हैं और रीडर्स हैं, तो वहां लगता है कि लोग भले किताबें हिंदी की कम खरीद रहे हैं, लेकिन वो पढ़ बहुत रहे हैं। हिंदी विश्व की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली भाषाओं में है, कम से कम इंटरनेट ने तो यही साबित किया। बिल्कुल बहुआयामी है, और जैसे आप स्टोरी टेलर है या बहुत कुछ ऐसी है कि हम सुन भी पा रहे हैं, अलग अलग तरीके से भी कहानियां जो है पाठकों तक पहुंचाई जा रही है, और पाठक इसमें रसा साधन भी कर रहे हैं। और जैसे कि विदेशों में आपने कहा कि वहां भी महत्व है जो समझने वाले हैं और जो इसे स्नेह रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी, जो इंटरनेट जब से एक्टिव हो गया है, जब से ज्यादा मंच मिलने लगे हैं, तो ये ज्यादा पाठकों तक पहुंच पा रही है ये कि हिंदी की भाषा की किताबें और हिंदी साहित्य की हम बात करें। एक और बात मेरे मन में आ रही है मैम, कि आप जो अभी के हालात हैं, इसमें क्या सरकार की क्या रोल है साहित्यकारों के लिए, और जिस तरह से वो एक पाठक पे ही निर्भर रहता है, या सरकार की भी तरफ से कोई साहित्यकार को मदद मिलती है, क्या कहेंगी, क्या अनुभव है आपका? देखिए, मदद का विधान तो है, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की जो साहित्यक आदमी है, भारत सरकार की जो साहित्यक आदमी है, तमाम जो साहित्यक आदमियां हैं राज्यों की, वो आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं लेखकों को जो बीमार है, जो वृद्धावस्था में है। लेकिन मैं कहूंगी कि वो आटे में नमक के जैसा होता है। शायद इसकी वजह यह है कि जनसंख्या बहुत है, और ये कैसे तय होगा कि लेखक कौन है, ये कैसे तय हुई, तो कोई भी नहीं कह सकता। जिन सारे लोगों की किताब है, उन वो सारे लोग वास्तव में लेखक हैं या वास्तव में जरूरतमंद हैं, ये तो तय नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, आप सिर्फ कला के सहारे सरवाइव नहीं कर सकते, ये बहुत ही कटु सत्य है इस दुनिया का। कि आप, बिल्कुल मैं करवा अपना कटे ही एग्जाम्पल आपको करवा बताऊं सकते कि बिल्कुल मैं अगर सिर्फ लेखन से जीवन चल रहा होता तो मैं क्यों नौकरी करती। हालांकि मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ और एक ठीक अच्छी सैलरी होती है गजेटेड ऑफिसर की, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ लेखन से या सिर्फ चित्रकला से या सिर्फ नाटक से या सिर्फ नृत्य से किसी भी कलाकार के लिए सरवाइव करना कम से कम इस देश में इसलिए कठिन है, क्योंकि
क्योंकि हम एक विकासशील देश है और संसाधन सीमित हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है सहायता की, पर जितनी सहायता मिलती है लेखकों को, देखिए हिंदी में सर्वाधिक रॉयल्टी जिन लेखकों को मिलती है उनमें से मैं एक हूँ। उसके बाद भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सिर्फ लेखक होकर आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेखक लेखन इतना तो आपको देता है कि आप अकेले सम्मान पूर्वक जीवन निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस सोसाइटी में रहते हैं और आपको, मुझे लगता है, सैलरी की बराबरी रॉयल्टी यहाँ नहीं कर पाती है, उनकी रॉयल्टी भी नहीं कर पाती है जो सबसे ज्यादा रॉयल्टी जी पाते हैं। तो ये तो एक सत्य है इस दुनिया का, एटलीस्ट भारत का तो ये है। और इसकी वजह यही है कि मैंने कहा ना कि परिवार के बजट में किताबें खरीदने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं होता है परिवारों में, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो सत्य है, कड़वा सत्य है। तो ये हमने बहुत, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो रॉयलिटी की बात हम करते हैं तो वो एक ऊंट के मुंह में जीने वाली जो कहावत है उसके जैसे भी होता है, और वो ये कैसे पहचान में आएगा, तो इसके लिए भी एक नियम कानून है जो तय किए गए हैं, मानक है। और चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी तमाम लिखने वाले और जो जैसे कि अभी नवांकुर होते हैं, युवक युवतियां जो अभी अभी कदम रख रहे हैं साहित्य की दुनिया में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप, और जी, मैं विशेषकर तो एक स्त्री होने के नाते? सबसे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपका आरंभ जो होता है, किसी भी काम का जो आरंभ होता है ना, वो बड़ा नीरस सा लगता है, बड़ा साधारण सा लगता है, लगता है कि कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, लगता है कि हम सेलिब्रिटी नहीं बन पाए। तो एक दिन दो दिन मैं कोई भी इस दुनिया में तो सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। आप अपना जीवन देना है अगर साहित्य में तो यहाँ आए, नहीं तो आप कोई दूसरा काम कीजिए। मैं लोगों से कहूंगी जिन्हें दिन दो दिन में ग्लैमर और फेम और अवार्ड और लोकप्रियता चाहिए, वो साहित्य में संभव नहीं होता है। ये तो जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, पूरा आप जीवन देंगे भी और पलट के कुछ चाहेंगे भी नहीं, सिर्फ उन लोगों को साहित्य, क्योंकि एक बड़ी लंबी साधना होती है, बड़ा लंबा टाइम यहाँ लगता है, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना पड़ता है, आपको जीवन पढ़ना पड़ता है, आपको लोगों को समझना, मतलब आपका जो मानस होता है वो सिर्फ एक लेखक का मानस होगा, तब जाकर के आप अपने विषय से बाहर दूसरी चीजें भी पढ़ते हैं। और हजारों किताबें पढ़ने के बाद आप, एक कहावत है कि हजारों टांकियां सहने के बाद पत्थर महादेव बनता है, तो आपको जीवन में कभी अपमान भी सहना जी पड़ेगा, कभी रुकावटें भी सहनी पड़ेंगी, पैसे यहाँ मिलते नहीं है पहले दिन से, तो ये नौकरी तो है नहीं कि सैलरी मिल जाए 3 दिन के बाद। तो अपना जीवन देने के लिए अगर आप यहाँ आए, या आपके अंदर लेखक है, आपका मन करता है कि मैं लिखूं, तो यहाँ आइए। अगर आपको कोई दूसरा ग्लैमर का फील्ड चुनना है तो आप फिल्मों में चले जाइए, आप किसी दूसरी विधा में चले जाइए, साहित्य में सिर्फ तब आइए जब आप साहित्य से प्यार करते हैं, क्योंकि ये एक लंबी साधना वाली दुनिया है जो आपको स्वीकारेगी, पर पहले बड़ा सा परख लेगी, बड़ा समय आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अगर धैर्य है आप में, अगर प्रेम है आप इसको, तो आपका बहुत स्वागत है साहित्य में, नहीं तो बड़े प्रेम के साथ कोई दूसरा फील्ड चुन लीजिए। कोई और रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं, बहुत कठिन डगर है, और ये साधना है, तपस्या है, सरस्वती की जो तपस्या होती है बहुत कठिन होती है, और उसके बाद ही लक्ष्मी जी आती हैं, ये भी सत्य सत्य है। बहुत अच्छी बातचीत रही और आपने बहुत अच्छी बात कही है, संदेश बहुत खूबसूरत किया आपने, और जो भी सुनेंगे, सुन रहे हैं और जो सुनेंगे बाद में भी हमारे दर्शक, उनके लिए और मेरे लिए भी, तो आप और भी ऊंचाइयों पे पहुंचे और अच्छी कृतियों का निर्माण करें, हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। आप हमसे बातचीत किए, जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।